हेलो फ्रेंड्स, मेरा काफ़ी हुसैन आज की नई वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो बहुत ही शॉर्ट मेडिसिन है और एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही वैल्यूबल होम्योपैथिक मेडिसिन है ये, जिसका नाम है नेगुंडो मदर टिंचर। ये एक ट्री से बनाई जाती है। इसके जो इम्पोर्टेंट जो एक्शंस हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो सिम्टम्स जिनके कवर करती है, वो हैं पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स और फिशर से रिलेटेड। जो पाइल्स और जो फिशर हैं वो क्यों बनते हैं, उसके कारण मोस्टली क्या है, और ये मेडिसिन कहाँ काम करती है। पहला जो इम्पोर्टेंट जो कारण आता है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करता है तो वो कारण बनता है हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोज हो सकता है वो है क्रॉनिक डायरिया। कोई पेशेंट लंबे समय से डायरिया से सफ़र कर रहा है तो वो भी एक कोज हो सकता है पाइल्स या फिर हेमरॉइड्स का। दूसरा इम्पोर्टेंट कोज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो सारा जो वेट होता है वो कमर पर आता है और रेक्टम पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी जो हैबिट है वो एक्सरसाइज नहीं करते, फैटी खाना खाते हैं और बाहर का जो स्पाइसी फूड जो यूज़ करते हैं उससे भी चांसेस हो सकते हैं कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन का कॉज बनते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो क्रॉनिक सिचुएशन हो जाती है तो वो हेमरॉइड्स का कारण बनते हैं। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट कॉज है वो है कि लॉन्ग सिटिंग। आप लंबे समय तक बैठे हुए काम करते हैं तो वहाँ पे भी इसके कारण देखने को मिलते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री रही है कि किसी पेशेंट को फैमिली में हेमरॉइड्स है तो वहाँ से भी इसके कुछ कॉजेज मिलते हैं और कारण हो सकता है। बात करते हैं हम नेगुंडो मदर टिंचर के सिम्टम्स के बारे में, किन किन सिम्टम्स के बेसिस पे हम इस मेडिसिन का यूज़ इजली कर सकते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है वो है कि अगर कोई पेशेंट पाइल्स, हेमरॉइड्स या फिशर से सफ़र कर रहा है और उसका कारण जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ हम इस मेडिसिन का यूज़ इजली कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे फिशर में और हेमरॉइड्स में यानी कि पाइल्स में। तो जो पाइल्स या यानी कि हेमरॉइड से पेशेंट सफ़र करता है तो वहाँ जो हमें इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिनका बेसिस हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं वो होगी बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होगा रेक्टम में यानी कि एनस में, साथ में बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत सेंसिटिव होता है पेशेंट, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो अगर टच भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर और सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा इचिंग जलन देखने को मिलती है और ब्लीडिंग होती है स्टूल के बाद में, वहाँ ये मेडिसिन नेगुंडो मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। बात करते हैं हम फिशर में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो हैं कि अगर कोई पेशेंट फिशर से सफ़र कर रहा है तो वहाँ क्रैक्स मिलेंगे हमें लोअर एंड ऑफ द बाउल के या कह सकते हैं इंटेस्टाइन के क्रैक्स मिलेंगे। बहुत सेंसिटिव दर्द होता है, सेंसिटिव होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जलन होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन फिशर में हमें ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बात करते हैं इसका जो अगला सिम्टम्स देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ड्रम यूज़ होती है इंगॉर्जमेंट ऑफ पाइल्स। तो देखते हैं कि एंगॉर्जमेंट ऑफ पाइल्स का मतलब होता है कि जो हमारा एनएस होता है वो एक सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो रेक्टम यानी कि एनएस है वहाँ सूजन हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और मस से वार्ट्स बन जाते हैं धीरे धीरे करके। और जब पेशेंट क्रॉनिक डायरिया या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सफ़र करता है तो जो स्टूल में जाएगा तो वहाँ पर उनमें स्ट्रेच होते हैं और या कह सकते हैं कि रगड़ लगती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, जो मस्से बनते हैं या वास बनते हैं उनको सुखाने का काम करती है एक तरह से, तो वहाँ इस मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज़ है। बात करते हैं हम कोई भी पेशेंट सफ़र करता है तो उसमें हमें यही चीज़ देखने को मिलती है, अगर कोई इंटरनल पाइल से हेमरॉइड से सफ़र करता है तो वहाँ जलन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इचिंग होगी, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट उस चीज़ से, कोई भी चीज़ उसको टच करती है तो और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी इंटरनल में, क्योंकि इंटरनल जो हेमरॉइड्स वो फील नहीं होते, जो सूजन देखने को मिलती है वहाँ ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है, इसका बहुत अच्छा यूज़ है।
एक्सटर्नल जो हेमरॉइड्स होती है उसमें हम फील कर लेता है पेशेंट जो मस्से हैं, जो अभी हेमरॉइड्स मस्से जो बनते हैं वार्ड्स जो बनते हैं वो ईजिली फील हो जाते हैं और ब्लीडिंग हो जाती है। तो वहाँ ये मेडिसिन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ है दोनों जगह पर। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर